ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਗਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਦਸਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪਾ ਮੇਰਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੂਝੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੇ ਅੱਜ सस्पेंड कर दिया गया है मुझे क्यों निलंबित किया मुझे क्यों सस्पेंड किया गया मेरा क्या अपराध है क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को वादी और वाजपाई वादी होने की बात कही क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये चौंतीस साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है हमसे सवाल पूछता है हम पे सवाल दागता है ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिवलेजेस के दो नोटिस आ चुके हैं शायद यह भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है इसी मॉनसून सत्र में तीन आम आदमी पार्टी के एमपी को सस्पेंड किया गया है संजय सिंह सुशील कुमार रिंकू और मुझे पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो इस समय कांग्रेस पार्टी है उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए कोई भी इनसे सवाल ना पूछे हर शख्स को सस्पेंड कर दो मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा न्याय की मांग करूंगा इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं ये जो चाहे कर सकते और शायद मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूंगा कि जो आरोप जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर, कर, कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा सत्य यह है कि, कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का एमपी का नाम सुझा सकता हूं प्रस्तावित कर सकता हूं प्रपोज कर सकता हूं इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर हस्ताक्षर की दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं। और अगर किसी सांसद को आपत्ति है है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं ना हमने सिग्नेचर जमा कराए लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हाम पहुंचाने का मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में जय हिंद